केंद्र की मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद अब विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी युवा मोर्चा बाइक रैलियां करके करेगा। हर बूथ में बाइक रैलियां की जाएंगी और इसके लिए युवा मोर्चा तैयारियों में जुट चुका है। इसी के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा की अहम बैठक सर्किट हाउस हमीरपुर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विधायक हमीरपुर नरेंद्र ठाकुर ने की। इस अवसर पर केंद्र की मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की योजनाओं को घर द्वार तक पहुंचाने के लिए रणनीति तैयार की गई, साथ ही विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। बैठक में हर बूथ पर युवा बाइक रैली निकालकर योजनाओं के प्रचार के लिए खाका तैयार किया गया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि 4 सालों में केंद्र सरकार के द्वारा की गई उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा और केंद्र सरकार की स्कीमों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। इसके लिए युवा आगामी दिनों में हर बूथ में बाइक रैलियां करेंगे। नरेंद्र ठाकुर ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भी 100 सीटें देने पर सरकार का आभार जताया और कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से जनता लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता की हर समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। हमारी हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की का है, उसकी हमने यहाँ मीटिंग रखी और आज की मीटिंग का हमारा मेन उद्देश्य है कि केंद्र की सरकार के जो हमारे 4 साल पूरे हुए, जो 4 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के कई प्रकार की योजनाएं दी, उन योजनाओं को घर घर तक हम कैसे पहुंचाए। हमारी जो स्टेट भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो मुख्यमंत्री श्री जयराम जी, अभी हाल ही में उन स्कीमों की लॉन्चिंग जो थी वो शिमला से की, और उसके बाद ये प्रोग्राम तय हुआ कि ये हर ब्लॉक में जाके उन योजनाओं का जो प्रचार किया जाए। तो हमारा जो युवा मोर्चा है वो हर बूथ पे जाके बाइक रैली निकाल कर उन योजनाओं का जो प्रचार जो है वो हर बूथ पे जाके करेंगे। इसके लिए हमने आज हमीरपुर में कैसे हम उस योजनाओं की और कैसे हम जो बाइक रैली का है उसका योजन करें, इसके बारे में हमने चर्चा की है। साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी का जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली थी तो हमारा देश स्वच्छ कैसा रहे, आज उसी के बारे में चर्चा हुई है। और हम अपने हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे पॉलीथीन रहित बनाएं उसके बारे में भी, आगे हम इसके बारे में कैसे हर बूथ पे जाके पॉलीथीन को कैसे खत्म करना है उसके बारे में हमने चर्चा की है। और जिस ढंग से हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय में हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है ये पॉलीथीन विहीन भी हो जाएगा। और हमारी जो योजनाएं हैं आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, ताकि जो भी 4 साल में हमारी सरकार की उपलब्धियां रही हैं वो घर घर जाके पहुंचें, लोग हमारे जो जितना कार्यक्रम हुआ है जो हमने 4 साल में खासकर हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ी बड़ी योजनाएं जो हमें मिली हैं उनके बारे में भी उनको जागरूक करेंगे। मोटे तौर पे मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय सरकार का, हमारे जो केंद्र में हेल्थ मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, स्टेट के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी और हमारे जो स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं आदरणीय परमार जी, हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। क्योंकि इसी सेशन से, जैसे आज आपने भी पढ़ा होगा कि 100 मेडिकल कॉलेज की सीट्स जो है वो इसी सत्र से जो है हमीरपुर कॉलेज में बच्चे पढ़ने शुरू कर देंगे। इसके लिए एक बार फिर मैं केंद्र की सरकार का, प्रदेश की सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम और भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि जैसे ही हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला है, आज हमीरपुर में लगभग 80-90 डॉक्टर जो हैं उसके बाद ज्वाइन करके चले गए हैं, ज्वाइन कर गए हैं और हर डिपार्टमेंट में हमारे स्पेशलिस्ट बैठे हैं, एक नहीं
चार चार स्पेशलिस्ट बड़े हैं, हमारी ओपीडी बड़ी है, मेडिकल स्वास्थ्य सेवा बड़ी है, जो इलाज टांडा और शिमला में होता था वो सारे का सारा जो इलाज है वो अब हमारे हमीरपुर हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट के बाद यहाँ शुरू हो गया है। बैठक के बाद भासुमा कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस के आसपास सफाई अभियान में भाग लिया, जिसमें विधायक नरेंद्र ठाकुर और भासुमा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आज हम ये सफाई अभियान वार्ड नंबर 1 हीरानगर में कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेस पे कोई भी कूड़े का कचरे का जो है हमें दर्शन ना हो। हमारा ये मैसेज है पूरे प्रदेश को, पूरी जनता को, कि खासकर अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे से बीमारियां दूर रहें तो सफाई के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होगा। मेरा निवेदन है, घर है चाहे घर का आंगन है, पड़ोस है, वो हमें साफ दिखना चाहिए। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों से, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों को से निवेदन करना चाहूँगा कि विशेष तौर पे जो माने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी है उसका पालन करते हुए हम अपने एरिया को स्वच्छ रखें, तभी हम बीमारी से छुटकारा पाएंगे।